हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आप भी ये कचरा देख के सोच रहे होंगे कि ये क्या है, कैसा वीडियो का शुरुआत है। तो यहाँ पे मेरे किचन के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे मैं पेपर लगा के रखती हूँ। तो ये वाला जो पेपर होता है वो जितने भी ऑयल होता है खाना बनाते समय स्प्लिट करता है, तो उससे वॉल को थोड़ा प्रोटेक्ट करता है। ये मैंने थोड़ा लेट से लगाया था, इसीलिए पहले से थोड़ा सा वॉल ख़राब हो गया। इसलिए और ज़्यादा ख़राब ना हो और गंदा ना दिखे, इसके लिए मैं वहाँ पेपर लगा के रखती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं उसे चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से लगा हुआ था और वो काफ़ी ख़राब दिख रहा था। तो मुझे मेरे पास एक इंस्टामार्ट से ये पेपर आया था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने इसे रख लिया था कि ताकि मैं बाद में कभी यूज़ करूँगी, कभी ना कभी तो ये यूज़ हो जाएगा। मुझे जब भी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है कि हाँ जिसे बाद में यूज़ कर सकते हैं, मैं उसे सेव करके रख लेती हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। तो आज बिल्कुल सही टाइम पर सही आइडिया आया, मैंने सोचा कि हाँ मैंने लास्ट टाइम रखा था तो ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था साइज, और मैं इसे ऐसे कट कर रही थी कि ताकि वो एक्स्ट्रा कहीं से भी वेस्ट ना हो और मुझे जितना पार्ट चाहिए वो अच्छे से मिल जाए। तो मैंने सबसे पहले पूरा बैग को खोल दिया है। ये बैग ऐसे बहुत मजबूत था, बहुत अच्छा लग रहा था इसका पेपर, और बहुत हार्ड भी था। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये बेस्ट चीज़ होगा, यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, थोड़ा सा कलरफुल भी दिखेगा। मैंने पहले यहाँ पर ब्राउन कलर वाला जो आता है पैकेट वो रखा हुआ था, तो वो थोड़ा सा ऑयल की वजह से और गंदा दिखने लगा था। तो लेकिन मैंने सोचा कि अब थोड़ा कलरफुल लगाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले सेलोटेप ऊपर में लगा लिया, और उसके बाद फिर मैंने चारों तरफ सेलोटेप से ही इसको पूरा अच्छी तरह से चिपका दिया। और बीच में अगर नेक्स्ट टाइम मुझे फिर अच्छा रैपर मिलेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको भी चेंज कर दूँगी। तो ये मेरा सुबह का काम था, मैंने सबको भेज के और ये कर रही थी। उसके बाद मैंने चाय इन्जॉय किया अपना, फिर टाइम था घर को सेट करने का। बच्चे और हस्बैंड आज से दोनों का स्कूल और ऑफिस स्टार्ट हो गया था, तो ये फ्री टाइम अब मुझे मिल रहा था। छुट्टियां कैसे निकल गई 10 दिनों की पता ही नहीं चला। हस्बैंड भी घर पे थे, बेटा भी घर पे था, और घर का बिल्कुल भी मतलब डेकोरेशन बोलिए, एक्स्ट्रा काम बोलिए, नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लंच और खाना और ये सब में ही पूरा टाइम निकल जा रहा था। समय कैसे बीत रहा था पता ही नहीं चल रहा था। आज से मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि सब अपने काम पर निकल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे लिए टाइम है, मैं शांत से काम कर सकूंगी। क्योंकि अगर प्रियांश रहता है ना, तो प्रियांश इतना परेशान करता है कि ये करो वो करो, बोलने में उसको मेरा आधा खून इधर ही जल जाता है। तो आज बहुत दिनों बाद 10 दिन बाद अच्छे से लग रहा था कि काम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि नहीं पहले सब अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, सब बेड वेड अच्छे से क्लीन करके उसको सेट कर देती हूँ। क्योंकि बहुत दिनों से मैंने सोचते सोचते झाड़ती थी बस, लेकिन कपड़ों से ऐसे झाड़ देती थी, अच्छे से सेट नहीं करती थी। तो लेकिन आज मेरा फ्री टाइम था तो मैं बहुत रिलैक्स मूड में काम कर रही थी, और हस्बैंड का भी आज ऑफिस था तो वो भी आज लेट से आएंगे। तो मेरा लंच भी सुबह ही मैंने बना लिया था, जब एक साथ ही मैंने जब सबको टिफ़िन दिया था तो उसी टाइम में लंच का भी प्रिपरेशन कर लिया था, और बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया आज मैंने सबको भेज के। जनरली मैं होता क्या है, आधे घंटे एक घंटे के लिए लेट लेती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट काम में लगती हूँ, लेकिन आज मैं कंटिन्यूस काम कर रही थी। और उसके बाद फिर मेरा सारा सेट हो गया बेड वेड, उसके बाद मैंने सोचा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, अभी मेरे पास टाइम है प्रियांश को स्कूल से लाने के लिए। तो जैसे ही मैं झाड़ू पोछा करना मैंने स्टार्ट किया, मैं कॉल बेल डोर बेल बजा, तो मैंने आज अपने आरओ सर्विसिंग के लिए भी रिक्वेस्ट डाला हुआ था। ये आरओ हमारा रेंटेड है, मतलब मंथली इसका रेंट हम लोग पे करते हैं, तो सर्विसिंग बिल्कुल फ्री रहती है, तो मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर सर्विसिंग करवाते रहती हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ भैया ने जैसे ही फिल्टर पर इतना हिट किया तो कितना सारा कचरा निकला, तो भैया बोल रहे थी इस बार थोड़ा डिले हो गया था हमें सर्विसिंग करवाने में। तो कोई बात नहीं, भैया ने बोला कि ठीक है लेकिन 4 मंथ में आपको आरओ की सर्विसिंग करवाते रहनी चाहिए, तो आप लोग भी प्लीज़ इसे करवाते रहिए, नहीं तो फिर फिल्टर का पानी पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। और प्रियांश को लाने का टाइम हो गया था और यहाँ भैया अभी थोड़ा बहुत काम कर ही रहे थे, और फिर उन्होंने मुझे पानी दिया टेस्ट करने को कि कैसा है पानी, टेस्ट करके बताइए। मुझे पानी पानी जैसा लगा, तो मैंने बोला पानी पानी है। उसके बाद फिर भैया ने अपना काम डन कर लिया, सब कुछ सेट कर लिया, और मेरे माइंड में चल रहा था कि अभी मेरा प्रियांश को स्कूल से लाने का है, तो ऐसे भी था सुबह।